नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी कहानी दोस्त। बच्चों, आज की कहानी है तेनाली राम की सवारी, जिसे लिखा है राजेश गुप्ता ने। एक दिन की बात है, राजा कृष्णदेव राय की अंगूठी से एक बेशकीमती हीरा निकलकर कहीं खो गया। यह देखकर महाराज बहुत परेशान हो गए। उनकी परेशानी का कारण सिर्फ यही नहीं था कि वह हीरा महंगा था, बल्कि वह हीरा उन्हें किसी पहुंचे हुए तपस्वी ने दिया था और कहा था, जब तक यह नगीना तुम्हारे पास रहेगा, तुम अपने शत्रुओं का नाश करके उन पर विजय प्राप्त करते रहोगे। और अब उस हीरे के खो जाने से महाराज के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उन्होंने महल के सभी नौकरों और सैनिकों को बुलाकर तुरंत हीरा खोजने का आदेश दिया। महल के सारे नौकर और सैनिक हीरे को ढूंढने लगे, पर हीरे का कोई पता नहीं चल रहा था। इसीलिए राजा और परेशान हो गए। उन्होंने महल में घोषणा करा दी कि जो कोई भी वह हीरा ढूंढ कर लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान को सुनकर सभी जन हीरा ढूंढने में लग गए। कुछ समय बाद वह हीरा एक सेवक को मिल गया। उसने यह खबर महाराज को दी तो महाराज की जान में जान आई और उन्होंने राहत की सांस ली। महाराज ने सेवक को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुम जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह सुनकर सेवक सोचने लगा कि मैं क्या मांगू। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह बोला, महाराज, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, कृपया मुझे एक दिन का वक्त दे दीजिए। महाराज ने उसकी बात मानकर उसे एक दिन का समय दे दिया। उसी समय मंत्री के दिमाग में एक तरकीब आई कि तेनाली रामा को नीचा दिखाया जाए। मंत्री ने यह बात सेनापति को बताई। सेनापति खुश होकर बोले, वाह भाई वाह, शाबाश मंत्री जी, शाबाश। उन्होंने सेवक को अपने पास बुलाया और पूछा, कल तुम दरबार में क्या मांगने वाले हो। सेवक बोला, सेनापति जी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगू। सेनापति ने तुरंत सोने की 1000 सिक्कों की थैली उसे देते हुए कहा, यह लो, सोने के 1000 सिक्के हैं, अब जो मैं तुमसे कहूँ वही तुम्हें महाराज से मांगना होगा। सेवक बोला, क्या कहना होगा महाराज। सेनापति ने उसे सारी बात समझाई। यह सुनकर सेवक डर गया। सेनापति ने कहा, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें जान से मार देंगे। डरकर सेवक ने बात मान ली। अगले दिन दरबार में राजा ने सेवक से पूछा, सोच लिया सेवक, मांगो, तुम क्या मांगते हो। सेवक बोला, महाराज, मैं नाली रामा की पीठ पर बैठकर बाजार घूमना चाहता हूँ। महाराज बोले, तुम यह क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो। महाराज, मैं यही चाहता हूँ, सेवक बोला। महाराज बोले, ठीक है, अब तुम जाओ और कल दरबार में आ जाना। महाराज ने तेनाली राम को बुलाकर सारी बात बताई। तेनाली राम ने महाराज को आश्वस्त करते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन जब सेवक दरबार में आया तो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने नए कपड़े भी पहने हुए थे। तेनाली राम दरबार में खड़े होकर बोला, भाइयों, सेवक महाराज की अंगूठी का हीरा ढूंढने के बदले में मेरी पीठ पर बैठकर बाजार घूमना चाहता है। महाराज के वचन की रक्षा करने के लिए मैं इसे अपनी पीठ पर बिठाकर बाजार घुमा लाऊंगा। तेनाली राम ने सेवक से कहा, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तेनाली राम की बात सुनकर सेवक आगे बढ़ा और तेनाली राम की गर्दन अपने हाथों से पकड़कर उनकी पीठ पर चढ़ने लगा। तेनाली राम ने डांटते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है, तुमने मेरी पीठ पर बैठने की इच्छा जताई थी,
गले में बाहें डालने की नहीं, बैठना है तो पीठ पर बैठो। यह सुनते ही सेनापति और मंत्री के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया, जबकि कुछ देर पहले उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। अचानक तेलानीराम ने ऊंची आवाज में कहा, सोच क्या रहे हो, पीठ पर बैठना है या नहीं? सेवक रोती हुई आवाज में बोला, बिना किसी सहारे के मैं पीठ पर कैसे बैठ सकता हूँ महाराज? तेनालीराम ने गुर्राते हुए बोला, बिना किसी सहारे के पीठ पर किस तरह बैठा जाता है, यह तुम उनसे पूछो जिन्होंने तुम्हें मेरी पीठ पर बैठकर घूमने के लिए कहा था। यह सुनते ही सेवक की नजर फौरन सेनापति की कुर्सी की तरफ गई, मगर सेनापति तो दरबार से पहले ही खिसक गए थे। सेवक महाराज के पैरों में गिरकर रोने लगा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे जान से मार दिया जाता महाराज। और इस तरह उसने सारी बात महाराज को बता दी। यह सब सुनकर महाराज को सेनापति और मंत्री पर बहुत गुस्सा आया। महाराज बोले, सेनापति और मंत्री को 5 दिन के लिए दरबार से बेदखल किया जाता है और उन्हें तेनालीराम से भी माफी मांगनी होगी, तभी उन्हें उनका पद वापस मिलेगा, अन्यथा हम कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा कहकर महाराज वहां से चले गए और दरबार की कार्यवाही वहीं समाप्त हो गई। देखा बच्चों, चतुर तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करी, बल्कि सेनापति और मंत्री के दुष्ट इरादों का भी पर्दाफाश किया। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली कहानी में। नमस्कार।